Hey guys, this is Ujjwal Kumar Sen and you're watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, बहुत सारे students आजकल चाह रहे हैं कि हम digital marketing सीखें और उससे हम earning करें, और बहुत सारे जो physical job कर रहे थे किसी office में जाके, किसी manufacturing sector में, किसी और sector में, right, malls में कहीं और काम कर रहे थे, जो सिर्फ लॉकडाउन हटने से ही उनका इनकम आ सकता है, राइट, या फिर इनकम में एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकता है. तो भाई साहब, उनके पास सबसे बड़े दो अपॉर्चुनिटी हैं, एक ब्लॉगिंग है और एक यूट्यूब है. तो फिलहाल जो करंट सिनारियो है, दैट इज 2020, राइट, 2020 जो सिनारियो चल रहा है, इस सिनारियो के बेस पर मैं आपको बताऊंगा ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब कौन सा अच्छा है. ये चीजें हम देखेंगे, रिक्वायरमेंट क्या चाहिए दोनों को शुरू करने के लिए, विच वन इज इजी, कौन सा आसान है वो हम देखेंगे. नेक्स्ट, विच कैन मेक यू मोर मनी, कौन सा आपको ज्यादा पैसा कमा के दे सकता है. फिर आपको बताऊंगा कंट्रोल, किस में आपका ज्यादा कंट्रोल है. फिर आपको बताऊंगा हाइब्रिड सिस्टम जो मैं यूज कर रहा हूं पिछले 3 साल से, और उसका कुछ रिजल्ट बताऊंगा कि इनकम कितना बढ़ता है और क्या होता है. तो कुल मिला के वीडियो बिल्कुल टोटली मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर होगा. तो आपको क्या करना है, समझना है, सुनना है और उसके बाद इंप्लीमेंट करना है. तो शुरू कहां से करना चाहिए, देखिए डिपेंड करता है आपका सिचुएशन कैसा है, आप उसके बाद चूज करें. पहले सुन लीजिए सारा, फिर एक को चूज करना, फिर थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद सीख जाएंगे एक चीज थोड़ा सा, आप हाइब्रिड सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट. सो लेट्स मूव ऑन. रिक्वायरमेंट क्या चाहिए अगर आपको ब्लॉगिंग शुरू करना है, तो आपका जो नॉलेज होना चाहिए ब्लॉगिंग के बारे में वो क्या क्या होना चाहिए आपको बता देता हूं. कंटेंट राइटिंग आपको आना चाहिए पहला, दूसरा एसईओ आपको आना चाहिए, और तीसरा बेसिक टेक्निकल स्किल आपको आना चाहिए, बेसिक टेक्निकल स्किल्स, राइट. ये तीन चीजें आपका रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपको पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं, आप सीख सकते हैं कोर्स बाय करके भी, या फिर नेट पर भी आप पढ़ पुढ़ के कर सकते हो कार्रवाई, उसमें इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है. नेक्स्ट, YouTube शुरू करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए अदर देन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस, आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि मैं क्या शेयर करूंगा. जैसे वीडियो बना रहा हूं, मेरे पास कंटेंट ऑलरेडी है, तो मैं जो शेयर कर रहा हूं आपके साथ, तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ कंटेंट होना चाहिए कि आप क्या शेयर करोगे लोगों के साथ, राइट, यूट्यूब पर. तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो शेयर करो, वो ज्यादा लोगों को पसंद आता है, ज्यादा लोगों को समझ में आता है. एक कंसेप्ट आपको बताते हैं. दूसरा, आपको वीडियो एडिटिंग आना चाहिए. तीसरा, आपको यूट्यूब का जो SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है यूट्यूब का, वो आपको आना चाहिए. यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, राइट. ये तीन चीजें आपको आना चाहिए, प्लस बेसिक सेटिंग्स यूट्यूब का जो है वो आपको आना चाहिए. उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है सीखने के लिए, थोड़ा टाइम लगे, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज काफी सारे सेटिंग्स होते हैं, राइट. नेक्स्ट, पैसे का रिक्वायरमेंट की बात करेंगे. ये तो था जी स्किल, क्या क्या चाहिए आपको, वट पैसे वाला, कितना कितना पैसा इन्वेस्टमेंट लगता है. देखिए, ब्लॉग अगर शुरू करना है प्रोफेशनल, आपको मैं बोलूंगा पहले आप blogger.com पे शुरू करिए, एक डोमेन नेम परचेस करो, फ्री का थीम लो, वो हो जाएगा आपका, ₹1000 के आसपास लगेगा, राइट. तो मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, उससे सस्ते मिल सकता है, अगर ऑफर चल रहा है तो डोमेन नेम सस्ते ही परचेस कर सकते हैं. .com हमेशा बाय करें आप, मैं क्या बात कर रहा हूँ, .com हमेशा डोमेन नेम आपको बाय करना है, राइट. .net, .in, .org नहीं बाय करें, सिर्फ .com ही बाय करें. सो आपको उसमें सिर्फ ₹800,000 इन्वेस्टमेंट आपका ब्लॉग शुरू हो सकता है, फिर आप मेहनत करेंगे आगे बढ़ेगा. नेक्स्ट, यूट्यूब में क्या चाहिए आपके पास, अगर आपके पास ठीक ठाक कैमरे वाला फ़ोन है जिसमें वॉयस अच्छा रिकॉर्डिंग होता है, पिक्चर क्वालिटी ठीक आता है, तो चल जाएगा, उससे आप शुरू कर सकते हो. आई हैव स्टार्टेड विथ वेरी स्मॉल, यू नो, अंडर रेटेड स्मार्टफोन बोलोगे, वहां से मैंने शुरू किया था, फिर मैंने आगे आगे स्लोली मैंने अपने डिवाइसेस को अपग्रेड करा. राइट नाउ आई हैव अराउंड 5-6 DSLR मेरी टीम के पास, मेरे खुद के पास अभी 3 है, राइट, DSLR. फिलहाल जिससे बात कर रहा हूँ ये निकॉन का 5300D है, अब ये शायद मार्केट में नहीं है, ये इससे बात कर रहा हूँ, ये 2017 के आसपास मैंने परचेस किया था, 3 साल हो गया लगभग इसको यूज करते हुए, तो काफी शानदार चल रहा है, इट्स गुड, राइट. नेक्स्ट, ये तो आपका पैसे का रिक्वायरमेंट बता दिया, डिवाइसेस क्या रिक्वायरमेंट आपको बता दिया. नेक्स्ट बात करते हैं विच वन इज इजी. माय डियर, देखिए दोनों में एफर्ट लगता है, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊंगा, ब्लॉगिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू यूट्यूब.
बट बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कैमरे के सामने बात करने के लिए इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, हिचकिचाते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल टिप दूंगा जो आपके जो ये प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन आ जाएगा। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे जितने भी टीचर्स हैं जो ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मेरे जितने ही दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, उन सारे को दिया और लगभग सारे का जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया है। तो आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। वो क्या है, आप कैमरे को सोचो कि मेरा एक ही स्टूडेंट मेरे क्लास में है, वो कौन है, मेरा कैमरा है, और उसके आंखों में आंखें डाल के बात करो और समझाने की कोशिश करो। आई कॉन्टेक्ट जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली आप अगर कैमरे के जो लेंस है उसको समझो कि मेरा बच्चे के पास मेरा बच्चे का लेंस है, उसके आंखों में बात देख के मुझे बात करना है और उसको समझाने की कोशिश करना है जो आप समझाना चाहते हो। अगर आप ये सिंपल ट्रिक को अप्लाई कर लेते हो तो आपका वीडियो में काफी जबरदस्त इंप्रूवमेंट आपको खुद को दिखेगा। जो बिगिनर्स होते हैं यही मिस्टेक करते हैं, वो कैमरे की ओर नहीं दिखते हैं, कैमरे के जो लेंस ऊपर नहीं दिखते हैं, वो देखते हैं कि स्क्रीन पर कैसे दिख रहा है। तो आपका जो आई कॉन्टैक्ट होगा वो काफी शानदार नहीं होगा। एज आई एम टॉकिंग टू राइट नाउ, ये आई कॉन्टैक्ट इतना शानदार है, अगर मैं ऐसे देखूंगा क्या हाल है बच्चों, आई कॉन्टैक्ट इतना अच्छा नहीं हो रहा, राइट? बट नाउ इट इज ग्रेट। आर यू गेटिंग मी? मैं जो बीच में छोड़ा था, मैं स्क्रीन को देख रहा था, कैमरे के लेंस को नहीं देख रहा था, अब मैं कैमरे के लेंस को देख रहा हूं, इसलिए आई कॉन्टैक्ट काफी शानदार है। तो आई कॉन्टैक्ट आप लेंस को देख के बेटर कर सकते हैं। ये टिप्स एक ले लो, मजा आ जाएगा आपको। सो आपको क्या बता दिया मैंने, इजी, मेरे हिसाब से यूट्यूब थोड़ा इजी है, बट इसमें एक देखो इजी है मतलब कुछ डिसएडवांटेज है जो आपको आगे पता लगेगा। तो इजी तो है बट आपको वीडियो बनाना होगा, उसको डालना होगा, थोड़ा अच्छा इंटरनेट चाहिए उसके लिए, अपलोड करने के लिए। बट ब्लॉगिंग में इतना अच्छा इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? वेरी सिंपल इंटरनेट से काम चल जाएगा। बट यूट्यूब में क्या है, थोड़ा अच्छा इंटरनेट चाहिए भाई, क्योंकि एक 10 मिनट का वीडियो अगर DSLR से शूट करता हूं तो लगभग 1 GB का 1.5 GB का हो जाता है, समझ सकते हैं आप, राइट? सो गाइस, और एक बात, नेवर कंप्रेस द क्वालिटी ऑफ द वीडियो बाय यूजिंग कंप्रेसर सॉफ्टवेयर। कभी कंप्रेस मत करो, काफी शानदार क्वालिटी देने का कोशिश करो। लोग पसंद करते हैं अच्छा क्वालिटी के वीडियो को देखने के लिए, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत से लोग पसंद करते हैं, राइट? नेक्स्ट, विच कैन मेक यू मोर मनी। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसी को देखते हैं। तो माई डियर मैं बोलूंगा दोनों, बोथ कैन मेक यू हेल लॉट ऑफ मनी, जितना चाहे उतना कमा सकते हो, लेकिन उसमें एक चीज है, आप वही करें जो आपको पसंद है। और आपको पता कैसे लगेगा पसंद क्या है, ब्लॉगिंग है या यूट्यूब, मतलब आपको लिखना पसंद है या बोलना पसंद है कैमरे के सामने, वो करके ही पता लगेगा। सो आप एक से शुरू करिए, देखिए क्या करने में आपको ज्यादा मजा आ रहा है, उसी को साथ कंटिन्यू करिए। और साथ में जब आपको अच्छा, मतलब एक काम करते करते ना लोगों को थोड़ा सा तंग फील होता है, तो आप ब्लॉग भी लिख सकते हो यार, किसने रोका है, कौन सा आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ब्लॉगिंग भी अच्छा है, नॉट बैड, राइट? तो गाइस क्या है, पैसे दोनों में है। अब गाइस बात करेंगे कितना पैसा, दोनों पैसा है, कितना पैसा, अब मैं बताऊंगा आपको कितना पैसा, राइट? अगर मान लो आपके ब्लॉग पर एवरेज सेम, मैं यहां पर बता रहा हूं, पैसे डिपेंड करता है कौन ब्लॉग पढ़ रहा है, कहां से पढ़ रहा है, क्वालिटी क्या है उस बंदे का, किस तरह का आर्टिकल आप लिखे हो, टॉपिक क्या है, राइट? किस में लिखा है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, किसी और लैंग्वेज में लिखा है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मान लो लेते हैं सेम टू सेम, एक एवरेज लेता हूं इंडियन ट्रैफिक के, यूएसए ट्रैफिक का अलग वैल्यू है। अगर मान लो 1000 पेज व्यूज मुझे मिलता है मेरे ब्लॉग पर और 1000 व्यूज मिलता है मेरा यूट्यूब चैनल पर सेम कंटेंट का, मान लो एजुकेशन कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? एजुकेशन ज्यादातर मैं एजुकेशन की चीज बात करता हूँ, राइट? सो ब्लॉग पर आपका जो अर्निंग आएगा एड्स से, एडवर्टाइजमेंट से, और यूट्यूब पर जो अर्निंग आएगा एड से, एडवर्टाइजमेंट से, वो कितना होगा लगभग ब्लॉग पर आपका अराउंड $3 to $4 हो सकता है, समटाइम्स इवन आई हैव सीन $5 to $10, इवन समटाइम्स $17-$18, राइट? ये देखा इंडियन ट्रैफिक के लिए। बट आपका जो यूट्यूब पर 1000 व्यूज का जो पैसा मिलेगा, मुश्किल से आपको ₹30 मिलता है, और मैक्सिमम अब तो देखा मैंने ₹50, राइट? मतलब नॉट इवन $1, इट्स अबाउट $0.7, $0.8, $0.4, $0.5 ऐसे मिलते हैं,
दिस इज द डिफरेंस। बट यहां पर और एक बात है, सिर्फ पैसे मत देखना। YouTube पर 1000 व्यूज लाना बड़ा आसान है, इट्स रियली इजी देन ब्लॉग पर 1000 व्यूज लाना। रीजन इज सो सिंपल, आपका जो वीडियो है YouTube पर, YouTube एक सिस्टम में ही है, ब्लॉग जो आपका है सिस्टम से अलग है, उसके बारे में बात करूंगा अभी मैं, तो उसको आप समझिए। नेक्स्ट, ये जो बात करता हूं सिस्टम, वो क्या कंट्रोल। आपका जो ब्लॉग होगा ना, ब्लॉग करने को क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग बोलते हैं। आपका जो ब्लॉग है वो आपका है, किसी और का नहीं है, लेकिन यूट्यूब आपका नहीं है, आप बस एक पार्ट हो यूट्यूब के, आप कंटेंट दे रहे हो यूट्यूब पर। YouTube अपने आप एक सिस्टम, आप सिस्टम में काम कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो। ब्लॉग आपका खुद का है, खुद का सिस्टम हुआ है, तो किसी का सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी लोग वहां पर हैं, ऑलरेडी आप कंटेंट देंगे, लोग ऑलरेडी हैं, लोग देखेंगे। लेकिन ब्लॉग आपका खुद का सिस्टम है, खुद का सिस्टम बनाना पड़ेगा, लेकिन आप जैसा चाहिए वैसे सिस्टम बना सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो ये आपको मैंने मोटा मोटा चार चीज समझाने की कोशिश किया, क्या डिफरेंस है, लगभग हर इंग्रेडिएंट देने की कोशिश किया जो मेरे नॉलेज में है। अब गाइस बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, हाइब्रिड सिस्टम जो मेरा फेवरेट है। इवन ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसी सिस्टम का पार्ट है। मैं एक वीडियो ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख चुका हूँ, ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब, और मैं कितना पैसा अर्निंग करता हूँ, लगभग 22 लाख का डॉलर्स में जो पेमेंट प्रूफ है, पुराना है राइट, अभी लेटेस्ट नहीं है, एक साल के आसपास हो गया वो, तो वो मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है इसके ब्लॉग पोस्ट पर, और जो ब्लॉग पोस्ट है आपको मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में एंड कहां पर, डिस्क्रिप्शन में, पढ़ने के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं राइट। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं हाइब्रिड सिस्टम मतलब क्या है। आप एक आर्टिकल भी लिखें सेम टॉपिक पर और एक वीडियो भी बनाओ सेम टॉपिक पर, और आप दोनों क्या कर लो, इंटरलिंक कर दो। जैसे मैंने क्या करा, अपने ब्लॉग पर भी इस वीडियो को डाल दिया और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ब्लॉग के आर्टिकल को भी डाल दिया। इससे क्या हो जाएगा, मेरा ट्रैफिक एक्सचेंज होगा। वीडियो वाले ट्रैफिक मतलब आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, आप जाएंगे मेरे ब्लॉग पोस्ट पर, ब्लॉग पोस्ट वाले ट्रैफिक जो है मेरे वीडियो भी देखेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका अर्निंग क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो आपका कंटेंट सेम है लेकिन कंटेंट डिलीवरी करने का तरीका क्या है, दो अलग मीडियम है, तो डबल लगभग इनकम होगा ना। और कंटेंट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है एज कंपेयर टू डिलीवर करना। तो कंटेंट एक है, सेम कंटेंट जो बोला वीडियो में वो आपके इसमें है, लेकिन इसमें मैं आपको प्रूफ नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा अर्निंग का, ब्लॉगिंग से कितना कमाया मैंने, यूट्यूब वाला दिखा नहीं सकता हूं सॉरी। तो वो चीज आपको क्या है, आपके ब्लॉग में मिल जाएगा, ब्लॉग के एंड पर आपको मिल जाएगा इनकम प्रूफ स्क्रीनशॉट डॉलर्स में, अराउंड 22 लाख के आसपास का स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। जो कहां मिलेगा आपको, फर्स्ट कमेंट में आपको मैं अपील कर दूंगा, और आपका कहां पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो गाइज आई होप यू हैव लर्न अबाउट इट कि ब्लॉगिंग वर्सेज यूट्यूब क्या आपको शुरू करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप हाइब्रिड सिस्टम को ना इंप्लीमेंट करें, पहले आप क्या करिए एक को चूज करें और उसके बाद शुरू करें। आप अगर स्टूडेंट हैं तो माई डियर स्टार्ट फ्रॉम ब्लॉगिंग। आप प्रोफेशनल हैं मतलब आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे या कर रहे हैं तो आप यूट्यूब से शुरू करिए, जिसमें आपका नॉलेज है गो फॉर इट। और एक बात, आप कुछ भी शुरू करेंगे लोग आपके नेगेटिव कमेंट करेंगे, तो भाई साहब उनको इग्नोर करो, आप अपने काम पर फोकस करो। कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, रियलिटी की बात कर रहा है, उसको देखो समझो, और कोई इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर करना चाहिए तो करो, स्लोली स्लोली करो, उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेशन मेरे को आ रहा है ना भाई, लोग बोलेंगे ही, आप करते रहो, आप कुछ भी करो लोग बोलेंगे, तब इसका मतलब क्या कुछ करना छोड़ दोगे आप, ना आपको करना है। एंड माय डियर एक चीज आप याद रखना, मैं मानता हूं अगर मैं किसी चीज में सक्सेसफुल बन सकता हूं, दुनिया में कोई बन सकता है। माय डियर आई हैव लर्न ABCD इन क्लास 7th, देयर आर लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी इन क्लास 8 और 9 दे टोल्ड मी यू विल फेल इन 10th क्लास, आई टॉप इन माय विलेज राइट, आई गॉट इवन सम प्राइजेस बिकॉज ऑफ दैट। देन आई वेंट टू कॉलेज 12th प्लस कॉलेज, पीपल टोल्ड मी यू डोंट नो इंग्लिश सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, देन आई हैव लर्न इंग्लिश but it was really a struggle journey for me, it takes a lot of time to learn English to speak properly but eventually I did it। so my dear aap kuch bhi karenge log criticize karenge, it's you, aapko kaise lena hai, hamesha usko positive tarike se len aur kaam karte rahe। one day jo aapke criticize aapko kar rahe hai na,
वही बोलेंगे हमें पता था ये बंदा कुछ करेगा। लेकिन आप उनके बात सुन के बुरा या अच्छा फील मत करो, आप अपने रास्ते पे चलते रहो, बिकॉज दिस इज व्हाट लाइफ, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ जो भी ब्लॉगिंग या यूट्यूब के बारे में सोच रहे हैं इस लॉकडाउन या फिर जब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।